नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार को दोहरा झटका लगा है और गांधी नेहरू परिवार सियासत के तिराहे पर आकर खड़ा हो गया। दोहरा झटका इस रूप में लगा है कि गुलाम नबी आजाद आजाद हो गए हैं और आनंद शर्मा को इस्तीफा देकर कुछ आनंद की अनुभूति हो रही है। अब तीन विकल्प गांधी नेहरू परिवार के पास बचे हैं। एक, इस दोहरे झटके के बाद जरूरी हो गया है कि राहुल गांधी कांग्रेस की कमान एक बार फिर संभाल लें, 24/7 की राजनीति करें और अपने हिसाब से नई कांग्रेस बनाए, जैसा कि मोदी जी नई बीजेपी बना रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो सोनिया गांधी कांग्रेस की कमान संभालें, जो अभी भी वो संभाल रही हैं, और दो तीन कार्यवाहक अध्यक्ष रख ले। अशोक गहलोत हो सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं, गोकुल वासनिक हो सकते हैं या फिर कोई चौथा हो सकता है, और उन कार्यवाहक अध्यक्षों को संगठन का अलग अलग काम, अलग अलग जिम्मेदारी सौंप। तीसरा विकल्प ये है कि गांधी नेहरू परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस से किनारा कर ले, प्राथमिक सदस्य बने रहें लेकिन किनारा कर ले सियासत से, और किसी गैर गांधी नेहरू परिवार के कांग्रेस के नेता को कांग्रेस की कमान सौंप दे। फिर वो अशोक गहलोत हो सकते हैं, मुकुल वासनिक हो सकते हैं, सचिन पायलट हो सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी का मर्जर कर लें कांग्रेस के साथ, तो क्या नीतीश कुमार भी कुछ समन्वय समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के, इसकी एक विवेचना करते हैं। लेकिन पहले एक बड़ी बात कर लेते हैं, जो लोग कहते हैं कि साहब कांग्रेस को देखो 12 करोड़ वोट मिला पिछले चुनाव में, 23 करोड़ वोट बीजेपी को मिला एनडीए को, लेकिन 12 करोड़ 11 करोड़ कांग्रेस को भी मिला, बाकी जितने तमाम दूसरी पार्टियां हैं जिसमें आम आदमी पार्टी को 27 लाख वोट मिला, बाकी एनसीपी, ममता, मायावती, अखिलेश, स्टालिन, शरद पवार, शिवसेना, सबको 90 लाख से 1.5 करोड़ का वोट मिला, यानी 12 करोड़ की पार्टी है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, इसको बड़ा करना है, खड़ा करना है। तो यही तो है बड़ी चीज की, बड़ा और खड़ा कैसे करना है, क्योंकि 12 करोड़ वोट भी श्रिंक कर रहा है और भी श्रिंक हो सकता है। और फिर इस 12 करोड़ वोट तो मिला लेकिन सीटें कितनी मिली, 54। और जिस ढंग से कांग्रेस का वोट कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर असम तक फैला हुआ है, छितरा हुआ है, उससे बीजेपी को फायदा होता है जहां जहां कांग्रेस से उसका सीधा मुकाबला होता है। और कांग्रेस इस 12 करोड़ वोट पाने के बावजूद जो सीट वाइज वोट पाती है उस हिसाब से वो 54, 55, 60, 65, इससे ज्यादा लोकसभा की सीटें हासिल नहीं कर सकती। अगर ये वोट 12 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़, 15 करोड़, अगर 16 करोड़ पहुंचता है, यानी 3.5-4 करोड़ वोट बढ़ता है, तो कांग्रेस की सीटें तिगुनी हो सकती है, 150 तक सीटें जा सकती है, ऐसा सेफोलॉजिस्टों का कहना है। लेकिन ये कैसे बढ़ेगा 4 करोड़, 3.5 करोड़ वोट? ये ऐसे बढ़ेगा कि ग्रुप 23 के जो नाराज नेता है उनको जिम्मेदारियां सौंपी जाए। आप कह सकते हैं कि देखिए काम नहीं सौंपा गया इसलिए ये बोल रहे थे, अब राज्यसभा भी नहीं जा पाए और कुछ काम भी नहीं है तो काम सौंप दिया। गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी समिति का या संचालन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, आनंद शर्मा को हिमाचल प्रदेश का बना दिया गया, लेकिन दोनों ने इस्तीफे भेज दिए, दोनों ने कहा कि स्वाभिमान को ठेस पहुंच रहा है, पार्टी का मान बचेगा तभी तो आपका भी स्वाभिमान बचेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको काम सौंपना था तो फुल फ्लेश्ड 100% काम सौंप देना चाहिए था कि संचालन समिति के गुलाम नबी आजाद होंगे, वो अपने हिसाब से टीम इकट्ठी करेंगे, टीम बनाएंगे, और आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश में अपने हिसाब से टीम बनाएंगे, उन्हीं के अपने हिसाब से वो नियुक्तियां करेंगे, लेकिन नतीजा देना उनको फिर गारंटी देनी पड़ेगी कि वो नतीजा देंगे, वो कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में जिता कर लाएंगे, वो कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में जिता के लाएंगे, या फिर कांग्रेस आला कमान को पहले दिन ही साफ कर देना चाहिए था
कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में और आनंद शर्मा के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। टीम के बाकी जो सदस्य होंगे वो आला कमान की एक बात नहीं मानेंगे, आला कमान की तरफ नहीं आएंगे ताकने झांकने या राय लेने के लिए। सब कुछ आनंद शर्मा तय करेंगे, सब कुछ गुलाम नबी आजाद तय करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दो दो पावर सेंटर हो गए। अब जैसे हिमाचल की बात करें कि राजीव शुक्ला महासचिव हैं, पर्यवेक्षक जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश, उनको बना दिया गया क्योंकि वो फंड मैनेजर हैं, पैसा जुटाएंगे। फिर आनंद शर्मा को संचालन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं, वीरभद्र सिंह की तो मौत हो गई अब, और उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो आपस में तालमेल, आपस में समन्वय, ये सब आला कमान को पहले से तय कर देना चाहिए था, वहाँ नहीं कर पाए। और आपस में थोड़ी बहुत भसड़ भी हुई, थोड़ा बहुत नाक का भी सवाल आया और चीज़ें यहाँ से यहाँ तक आ गई। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के लिए कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद चाहते थे कि उन्हीं के लोगों को दूसरे पद भी मिले। अब सारे पद तो नहीं मिल सकते गुलाम साहब, कुछ पद तो दूसरों को भी मिलेंगे जिनके साथ आपको समन्वय करना है। आपका नेतृत्व क्षमता क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, जो आपके साथ है, जो आपका पिछलगू है, जो आपका कार्य समर्थक है, जो आपके पीछे पीछे चल रहा है, उसको अपने साथ बनाए रखा, इसमें कौन सी बड़ी बात। जो आपसे थोड़ा नाराज है, थोड़ा मतभेद मनभेद रखता है, अलग ढंग से सोचता है, अलग ढंग से राय देता है, उसके साथ बनाना, उसके साथ बनाकर चलना, उसको अपने खेमे में लाना, उसको अपने तर्कों से कन्विंस करना, और उसके कुछ तर्कों से आप कन्विंस हो तो उसकी बात मान लेना, यही तो अच्छी लीडरशिप की खासियत होती है। यही, इसी में तो आपकी नेतृत्व क्षमता दिखती है। यही चीज राहुल गांधी नहीं कर पाए। नई कांग्रेस बनाना चाहते थे, जो युवा ब्रिगेड थी उन्हीं में से कुछ लोग छोड़कर चले गए। बुजुर्ग को बाहर भेजना चाहते थे, उनको सोनिया गांधी ने संरक्षण दे दिया, कुछ को प्रियंका गांधी ने संरक्षण दे दिया, तो राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर पाए। तो क्या वजह है? कुछ लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनकी आपस में ही कुछ टसल रहती है। पंजाब का मसला हो, नवजोत सिद्धू को एक चाहता था दूसरा नहीं चाहता था, एक अमरिंदर सिंह का इस्तीफा चाहता था दूसरा अमरिंदर सिंह की राजीव गांधी के समय की दोस्ती या को ध्यान में रखकर वो फैसले ले रहा था, एक सचिन पायलट को चाहता था, एक अशोक गहलोत को चाहता था। तो इस तरह से काम नहीं चलता। फैसला लेना है आला कमान को, तो अगर आला कमान के इकबाल को भी कायम रखना है, वैसे तो आला कमान जैसी चीज किसी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक पार्टी में होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब हो गई है कांग्रेस में, तो कल्चर है, बीजेपी में भी यही कल्चर जा रहा है। तो ऐसे में फिर आला कमान को की अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि हम जो फैसला लेंगे अंतिम होगा, और वो फैसला अगर गलत निकला तो सारी जिम्मेदारी हम पर आएगी। इतना भी साहस नहीं तो फिर कैसे काम चले। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के रहते हुए इतनी खेमेबाजी है, इतनी धड़ेबाजी है, जब ये नहीं रहेंगे तो खेमेबाजी और धड़ेबाजी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बात में भी पूरी सच्चाई है। कुछ लोग कह रहे हैं परिवारवाद का आरोप नहीं लग पाएगा अगर कोई दूसरा बन गया अध्यक्ष, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का ने जो नैरेटिव सेट कर दिया है उससे कोई दूसरा बन जाएगा तो भी डिफेक्टो चला रहे हैं, माँ बेटा और बेटी डिफेक्टो चला रहे हैं, बिना जिम्मेदारी लिए चला रहे हैं, इस तरह की बातें कही जाने लगेंगी। तो इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। तो वो एक गाना है आनंद बख्शी साहब ने लिखा था, अमर प्रेम फिल्म थी, तो उसको ध्यान रखा जाए, उसको ध्यान में रखा जाए। अब जो भी नया कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, 5 साल के लिए अध्यक्ष रहेगा मोटे तौर पर, तो 5 साल तो आप किसी गैर कांग्रेसी नेता को क्या अध्यक्ष का पद सौंप सकते हैं ऐसे माहौल में, जब आपको अगले 2 साल में 11 विधानसभाओं का चुनाव लड़ना है, फिर लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ना है, जिसमें विपक्षी पार्टियों के साथ तालमेल भी करना है, कुछ लोगों से हाथ भी मिलाना है, कुछ लोगों से सीट शेयरिंग भी करनी है, तो क्या ऐसा हो पाएगा, एक बड़ा सवाल ये उठता है। तो ऐसे में एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये कहा जा रहा है कि सबसे जो कांग्रेस तिराहे पर खड़ी हो गई है उसमें राहुल गांधी नहीं बनना चाहते, मत बनिए, साफ कह दीजिए। प्रियंका गांधी को भी नहीं बनाना चाहते या प्रियंका गांधी खुद नहीं बनना चाहती, मत बनिए, साफ कह दीजिए। प्रचार कीजिए, पार्टी का चेहरा बनकर घूमिए,
कार्यकर्ताओं के बीच जाइए, कार्यकर्ताओं की तकलीफें शिकायतें सुनिए, जनता के बीच जाइए, मोदी सरकार की तमाम बुराइयां या जो कमियां हैं उनको सामने रखिए और खुद का अल्टरनेट सामने दीजिए कि हम सत्ता में आए तो हम ये काम करेंगे, और साफ कह दीजिए कि हम प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं। दूसरा, तीनों अलग हो जाएं, ये कोई व्यवहारिक सलूशन नहीं है। तो बस ये हो सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि अभी जो मौजूदा व्यवस्था है वो इस रूप में जारी रहे कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहेंगी। सोनिया गांधी अभी फुल फ्लेश्ड अध्यक्ष कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अंतरिम अध्यक्ष है, तो वो तय कर दें कि साहब फुल फ्लेश्ड अध्यक्ष बने रहेंगी और उनके अंडर में तीन या चार या दो जो भी कांग्रेस तय करे कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे, और ये कार्यवाहक अध्यक्ष असल में सोनिया गांधी के बिहाव पर अध्यक्ष का काम करेंगे और उनके अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी। कोई समन्वय समिति का क्या काम संभालेगा, कोई संगठन का काम, कोई चुनाव प्रचार का काम, कोई विपक्षी पार्टियों से तालमेल करने का या बातचीत करने का, या यूपीए के साथी धड़ों के साथ सीट शेयरिंग का काम, ये काम संभालेगा। तो ये एक व्यवहारिक सोल्यूशन आज की तारीख में हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। मेरा भी मोटे तौर पर मानना है कि कांग्रेस को अभी जो कश्मकश में कांग्रेस फंसी हुई है उससे बाहर निकलना है, तो शायद ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।